हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? सभी का बढ़िया? आज हमारा माइक खराब हो गया है ना, इसी से काम चलाना पड़ रहा है। लाइव है? लास्ट में क्या देखे थे? हाँ, सवाल कराने को मैंने बोला था, सही बात है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी। आपको पता होगा पिछले दो क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का जो भी आपका थ्योरी था, जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपको कराया गया था, है ना? सारे के सारे नंबर्स कराया गया था आपको। उस पे कुछ सवाल है, सवाल को कर लिया जाए। थ्योरी आपने किया होगा तो सवाल को तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, है ना? बताइए, पहला नंबर आपका है 0। 0 कौन सा है? उदासीन पूर्णांक है आपका। 0 जो है ना, न्यूट्रल इंटीजर है, ना नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, 0 न्यूट्रल इंटीजर है। आगे बढ़ते हैं। इसकी चर्चा हमने किया है। हाँ, इवेन नंबर होगा, बट ऑप्शन में इवेन तो नहीं ना है। ऑप्शन जो रहेगा उसी से ना मारिएगा, है कि नहीं बात? ऑप्शन में क्या, प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, प्राकृत तो एक से होता है। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव तो होता नहीं है, धनात्मक पॉजिटिव तो होता नहीं है, क्या होगा? उदासीन होगा। जो ऑप्शन होगा उसी से मारना है ना, इसको लिखना थोड़ी ना है, लिखना है सवाल को। है, देखे थोड़ा बुक देखें, ये बुक में सारा चीजें आपका है, ये बुक है आपके पास होना चाहिए। हाँ, और इसमें सारा चीज है, इसको लिखेंगे क्यों, है ना? थ्योरी जो बताते हैं वो सिर्फ लिखना है, इसमें लिखना नहीं है। आ इसका सॉल्यूशन है, बस खाली आंसर मार देना है। भाग्य बताइए, थ्योरी में सब लिखाया जा चुका है। प्रथम ऋण संख्या, ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, याद है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ड ड ड ड ड ड। यहाँ पर यही एक ऐसा है जो इवन प्राइम है, इवन प्राइम है, बाकी का सब जो है वो ऑड प्राइम होता है आपका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहिए या ऋण संख्या कहिए, वो आपका 2 होता है, ठीक है? इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है सम आभास संख्या कौन है? 2। 2 ही ना है जो इवन है, बाकी सब तो ऑड होता है। 2 ही एक ऐसा आभास है जो कि इवन है, तो कहता है इवन प्राइम नंबर होती है, तो 2 दुए ना होता इवन प्राइम, बस यही बात है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे, जरा ध्यान देना सब लोग। आपको याद होगा पाई क्या एक सिंबल है, पाई जो है ना एक सिंबल है, पाई एक सिंबल है, और मैंने कहा था जितने भी सिंबल होते हैं, चाहे वो पाई हो, ई हो, कैपिटल जी हो और स्मॉल जी हो, जितने भी साइंटिफिक सिंबल हैं, सारे के सारे अप्रमेय संख्या होता है, अप्रमेय होता है। लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/, या होता है 3.14। ये सारे के सारे प्रमेय संख्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर आपका होता है। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी सिंबल होते हैं सारे के सारे इरेशनल अप्रमेय, लेकिन उस सिंबल का जो वैल्यू होता है, वो सिंबल का जो वैल्यू होता है वो आपका प्रमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है? इसकी भी चर्चा हमने थ्योरी में किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जरा सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्रथम भाज्य संख्या, देखिए बहुत सारा नाम इसका बताया था, भाज्य संख्या, फिर मैंने कहा था संयुक्त संख्या, फिर हमने कहा था इसका यौगिक संख्या नाम होगा, है ना? और अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर।
भाज संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर का परिभाषा याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटता हो, एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटता हो। तो जैसे देखिए सबसे पहला जो भाज्य संख्या था हमारा चार था, जो एक से कटता है, खुद चार से कटता है और इसके अलावे दो से कटता है, चार के बाद आपका छः, छः के बाद आठ के बाद नौ के बाद दस, तो इस तरीके से आपका है ना, यही आपका है कंपोजिट नंबर, जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और इसके अलावे किसी और से भी कटे। तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सा है, चार है ना, सबसे पहला कंपोजिट चार है जो कि इवेन है। कोई पूछेगा सबसे पहला ऑड कंपोजिट बताओ, विषम भाज्य, विषम भाज्य, तो सबसे पहला नंबर पर विषम भाज्य कौन आया, नौ आया। सम है, सम है, सम है, विषम सबसे पहला वाला कौन है, नौ है। ये भी सवाल पूछा सकता है, मैंने लिखाया भी आपको थ्योरी में, बढ़े आगे। इसके बाद छः क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सॉरी वन, वन है। तो ऑप्शन के हिसाब से वन तो बहुत सारा है, नेचुरल नंबर है, सबसे पहले आपका रियल नंबर है, वन आपका ऑड नंबर है, बहुत सारा हो सकता है, इंटीजर है, कह सकते हैं रेशनल नंबर है, लेकिन डिपेंड करता है कि चारों ऑप्शन क्या दे रखा है और उसी ऑप्शन में से आपको आंसर छांटना है। तो यहाँ पर वन क्या है, तो भाज्य भी नहीं है, भाज्य देखो चार से शुरू होता है, अभाज्य भी नहीं है, दो से शुरू होता है, तो वन क्या है, न भाज न अभाज, न भाज में भी आता है न अभाज में भी आता है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न भाज न अभाज, वन क्या है, न अभाज है न भाज है, ये भी पढ़ा चुके आपको हम। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है सुनिएगा, सेवन कहता है सह आभाज संख्या का एचसीएफ कितना, सह आभाज को हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, बताया है ना पिछले ही क्लास में, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ वन होता है ना। अब आठ नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सह आभाज नहीं है, कह रहा है कि कौन सह आभाज नहीं है, तो सह आभाज होने के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, साभाज होने के लिए एस सी एफ एक होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कौन साभाज नहीं है, तो जिसका एस सी एफ वन नहीं होगा, जो एक के अलावे किसी और से कट रहा होगा, तो यहां पर देखिए आंसर बी हो जाएगा। पता है इसका एस सी एफ कितना है, दो है। एस सी एफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भी कट रहा हो और ये भी कट रहा हो, एस सी एफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ई भी कट रहा हो और ई भी कट रहा हो। बताइए ये दोनों संख्या कौन सी संख्या से कट रहा है, दो से, दो से देखो ई भी कट रहा है, दो से ई भी कट रहा है, दो से बड़ा कोई है जो इन दोनों को काट सकता है, नहीं। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को काटेगी उसी को एस सी एफ कहते हैं। तो एस सी एफ कितना हो गया, दो हो गया, एस सी एफ दो हो गया, एस सी एफ दो हो गया। बताइए इसका एस सी एफ कितना, एक, इसका एस सी एफ, इसका एस सी एफ एक, तो एस सी एफ इसी का दो है, एस सी एफ इसी का दो है, एस सी एफ इसी का दो है, तो ये सह आभाज नहीं होगा, क्योंकि सह आभाज कहलाने के लिए एस सी एफ क्या चाहिए, वन चाहिए, एस सी एफ वन चाहिए, और यहाँ पे इसका एस सी एफ वन नहीं है, इसलिए सह आभाज नहीं है। कुछ कहना है इसमें, किसी को पूछना है बोलिएगा। आठ नंबर फिर से बताइए सचिन, अभी तो यार खत्म किए, बताना आपका कमेंट पहले ही से आ गया, मतलब पहले से आपने सोच रखा था हमको बुझाएगा नहीं, टाइप कर दो पहले ही, है ना, बुक में आंसर नहीं दिया है, बुक में आंसर क्यों चाहिए, मैं तो कराते चल रहा हूँ, है ना, तब कराते चल रहे तो आंसर क्यों चाहिए। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सह आभाज संख्या का एस सी एफ वन होता है, आप बताइए यहाँ पर इसका एस सी एफ कितना है, टू है, इसलिए को प्राइम नहीं है, बात खत्म। इसका मसा एक है, देखो एक से ही दोनों कट रहा है, इसका भी मसा एक है, इसका भी मसा एक, सीरीज को प्राइम है, को प्राइम है, को प्राइम है, सवाल कहता है कौन को प्राइम नहीं है, तो आंसर बी में मारेंगे। कुछ पूछना है भाई किसी को, बोलिएगा। क्लास मेटेरियल में आंसर नहीं रहेगा, है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ और कंटेंट दिया जाएगा, है ना,
छुट्टी बाद आइएगा तो आपको मिलेगा, है ना। तो उसमें आपका आंसर होगा और वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल आपका होगा, है ना। इसमें कोई आंसर नहीं, क्योंकि जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उस पर थ्योरी जब पढ़ा ही दे रहे हैं, अब बाकी सब क्लास में भी करा ही देते हैं। कभी कभी जो बहुत ही आसान लॉलीपॉप एकदम हलवा होता है उसको छोड़ते हैं एक दो को सवाल, बाकी लगभग सभी सवाल बता ही देते हैं, लेकिन आपको पहले घर से बना के आना होता है। देखिए प्रमेय संख्या कौन है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए प्रमेय संख्या पूछ रहा है कौन है, तो बोलिए 8 का घनमूल आता है सबको, 8 का घनमूल क्यूब रूट घनमूल 2 होता है, और 2 - 2 0। देखिए इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ और इसका मान आ गया 0, तो ये रेशनल है, इसका कैलकुलेशन बढ़वे नहीं करेगा, रूट रह ही जाएगा। क्या 12 का क्यूब रूट कुछ होता है, नहीं होता है, रूट में ही रह जाएगा। 2 का क्यूब रूट भी कुछ नहीं होता है, 4 का क्यूब रूट भी कुछ नहीं होता है, यहाँ भी रूट में रह जाएगा, यहाँ भी रूट में रह जाएगा, यहाँ भी रूट में रह जाएगा। और मैं आपको क्लियर कट लिखाया है कि रूट वाली संख्या को अप्रमेय संख्या कहते हैं, लिखाया है रूट वाली संख्या को अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो रूट में ई भी है, रूट में ई भी है, रूट में ई भी है, इसलिए तीनों का लगा अप्रमेय, इरेशनल। रूट में ई भी था लेकिन रूट से स्वतंत्र हो गया संख्या, तो क्या बन गया, रेशनल बन गया आपका, ये रेशनल बन गया, ये प्रमेय संख्या बन गया। जो रूट में रह जाए वो आपका परमे अपरमेय, जैसे रूट 3 ये अपरमेय है, लेकिन रूट नाइन का मान कितना, 3, पूरा पूरा बाहर निकल गया, तो परमेय, और नहीं निकल पाया तो अपरमेय, है ना। तो यहाँ पूरा पूरा निकल गया इसलिए परमेय हो गया। ये कुछ पूछना है किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन चुनना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ऑप्शंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि जिसमें आपको लिखना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा, 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर देगा आपका, है ना। यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे ही रहेंगे और ऑप्शंस को लेकर के ही आपको चलना पड़ेगा। अब कह दिया है कि निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित मतलब समझते हैं जो ऑप्शन है उसी में से, जो ऑप्शन है उसी में से। तो ऐसा नहीं 4 के बाहर नहीं सोचना है, ये चारों पर ही सोचना है। जौना क्वेश्चन में लिख देगा निम्नलिखित में से, तो आपको वो 4 ही के बारे में सोचना है, इसके अलावे पर कुछ नहीं सोचना है ना। और जब बोल दिया कि गलत कौन है, तो पक्का एगो गलत होगा और बाकी 3 सही होगा। दूसरी बात और बता दे कि जैसे 12वीं क्लास में आपने किया होगा, 11वीं क्लास में, तो उसमें क्या होता था, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते थे, लेकिन कंपटीशन सिंगल चॉइस होता है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। रेयर केस में मे भी हो सकता है, अगर 2 ऑप्शन सही रहेगा ए और बी, देखो सी सी नंबर में इसे लिखा रहेगा इसे कि ए और बी दोनों ऐसे करके लिखा रहेगा, अब मराएगा आंसर यहाँ पर एक ही वो ऑप्शन आप, सिंगल चॉइस ही होता है कंपटीशन के एग्जाम में ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस नहीं होता कि चर चर को ऑप्शन सही हो गया, तीनों सही हो गया आपका, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। चलिए खैर गलती कौन है, तेहो गलती होगा, 4 को सही होगा, दूर दूर से दिख रहा है। पाई एक सिंबल है, मैंने पढ़ाया है कि वो क्या होता है, अप्रमेय होता है, अप्रमेय होता है, बट क्या लिखा है, पाई एक प्रमेय संख्या है, ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है कि नहीं गलत, और गलत ही तो पकड़ना है तो ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब सही है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सही है, प्राकृत 1 से शुरू होता है और पूर्ण कहाँ से, 0 से, तो सब जो प्राकृत है वो पूर्ण हो जाएगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है, पाई एक प्रमेय संख्या आपका, सभी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब समझ रहे ना, इंटीजर, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 में हो या प्लस में हो या 0 हो, सब का सब इंटीजर होगा, सारे इंटीजर्स प्रमेय होते हैं, और सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से, अब पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से, तो सब 1 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा, लेकिन सभी पूर्ण वर्ग को हम नेचुरल नहीं कहेंगे। पूर्ण वर्ग में 0 आता है क्या, नेचुरल में 0 आता है नहीं, तो कैसे हम पूर्ण वर्ग को नेचुरल कह देंगे, पूर्ण संख्या को, सभी प्राकृत पूर्ण है बट सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है। तो सही है, सही है, सही है, गलत है, कुछ कहना है किसी को बोलिएगा, जिसको पूछना रहेगा बोलिएगा।
सर टेलीग्राम पर नहीं दिखा रहा है क्या? पीडीएफ, पीडीएफ आपको कोर्स जो खरीदे हैं उसी में रहेगा भाई, कोर्स जो आप खरीदे हैं ना पीडीएफ वहीं पे आपका रहेगा, ठीक है? पीडीएफ डाल दिया गया है, टेलीग्राम पर नहीं रहेगा, क्लासेस का पीडीएफ वहीं पे रहेगा। आइए सवाल संख्या 11 देखिएगा सब लोग। दो प्रमेय संख्या का योगफल, सर्वदा प्रमेय कहीं पर है, सी नंबर आपका। दो को रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? रेशनल ही होगा। देखिए इस ऑप्शन छठ कैसे रहा है सुनिएगा। कहता है कि ऑप्शन नंबर ए सर्वदा धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव। गलत बोल रहा है। देखो प्रमेय संख्या माइनस में भी होता है ना, और प्लस में भी होता है ना। बटा एक जी, पी बटा क्यू, प्रमेय का डिफिनेशन याद करिए, जो पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो प्रमेय ई भी है, प्रमेय ई भी है। जरा जोड़ के देख लीजिए, प्लस में आ रहा है कि माइनस में? माइनस में आ रहा है ना। आई कह रहा है कि सर्वदा, सर्वदा मतलब क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। गलत ना बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये ऑलवेज लगा दिया, ये रास नहीं आ रहा है। ये ऑलवेज क्यों लगा दिया? ऑलवेज गलत बोल रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल तो लिया, देखिए इसको जोड़ करके नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलत बोल रहा है ना। हमेशा थोड़ी ना होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, लेकिन बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये गलत बोल रहा है, ये गलत है। अच्छा फिर कहता है दो प्रमेय संख्या का योगफल, प्रमेय अप्रमेय, अप्रमेय कभी हो नहीं सकता, प्रमेय प्रमेय जुटेगा तो कभी अप्रमेय नहीं बनेगा। अगर कुछ लग रहा है तो बोलिए कि सर ऐसे हो जाएगा, प्रमेय प्रमेय जुटेगा तो अप्रमेय कभी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? लेकिन बी नंबर ऑप्शन बोल दिया कि प्रमेय या अप्रमेय हो सकता है, इसका कहना है कि अप्रमेय भी हो सकता है। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो काट देंगे इसे। अच्छा पर सर्वदा अप्रमेय, प्रमेय का योगफल अप्रमेय कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? प्रमेय का योगफल प्रमेय ही होगा, कुछ किसी को कहना है आप बेहिचक बोल सकते हैं। बड़े आगे चलिए। अच्छा नहीं डाला गया है पीडीएफ, पीडीएफ डाल दीजिएगा जी, पीडीएफ जो है डाल देना है, अभी डालिए जल्दी से, क्लास एंड होने से पहले तक। बड़े आगे यहां पर देखिएगा सब लोग, बड़ा से बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर, बड़का से बड़का। देखिए सबसे पहले तो आप इंटीजर देखो, मैंने क्या बताया था, डॉट 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 डॉट, -4, -3, -2, -1, अब 0, फिर +1, +2, +3, यही सब ना था? यही सब तो इंटीजर था, पता है? +1 से आगे ये सबको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। अपलोड किया हुआ है कहाँ पे दिखेगा, दिखाइए तुमको, आ रहे हैं, आ रहे हैं, 1 मिनट। पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया आपका, ठीक है? ये पॉजिटिव इंटीजर और ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर, बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं इसको हम लोग, उदासीन पूर्णांक। पहला सवाल यही था आज का। ये होता है धनात्मक पूर्णांक, ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक के न्यूट्रल इंटीजर। अब देखिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमेशा मान बढ़ता है, बढ़ते क्रम में जाए। देखो -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, अब -1 से बड़ा होता है 0, और 0 से बड़ा हो गया 1, फिर 2, फिर 3, इस डायरेक्शन में बढ़ता है, मान बढ़ेगा आपका। तो कह रहे सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा जो माइनस में हो कौन सा? -4 से बड़ा, -3, -3 से बड़ा, -2 से बड़ा, -1। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर होगा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा। अगर कोई कहेगा -4 बड़ा कि -3 बड़ा, -3 बड़ा, अब माइनस को जब हटा देंगे तो कौन बड़ा? 4 बड़ा। माइनस हटा देंगे तब बड़ा हो जाएगा 4, अब माइनस जब लगा देंगे तो
जो छोटका था वो बड़ बन जाता है, बड़का था छोट बन जाता है। कुछ कहना है किसी को? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सब्जेक्ट हाँ आगे बढ़ा जाए। देखिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पीडीएफ कहाँ पे होगा, क्या बोलते हैं, कोर्स में अपना जो परचेज कर लिया उसमें आप जाइएगा, यहाँ पे आपका होगा लाइव, जिसमें आपका लाइव क्लासेस चलता है, और यहाँ पे आपका होगा सब्जेक्ट होगा आपका, है ना। तो सब्जेक्ट पर जब क्लिक करिएगा, अंदर जाइएगा तो नोट्स पीडीएफ ऐसे कुछ करके होगा। अरे तनी छेड़िए ना, छेड़िएगा तब ना सीखिएगा, तब छेड़िएगा तब सीखिएगा, थोड़ा छेड़छाड़ करिए, है ना। सब्जेक्ट में जाइए, फिर नोट्स पीडीएफ, फिर और अगल बगल है उसमें जाइए, है ना। वैसे नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा आपको। बड़े आगे छेड़ना जरूरी है तभी सीखेंगे। नया नया फोन लेते हैं तो बिना छेड़ले थोड़े ना सीख पाइएगा ना। आगे बढ़े थे, आगे बढ़ रहे हैं। हम आईफोन लिए तो तुमको बुझे भी नहीं करता था, है ना। हाँ उसमें उसका सिस्टम है थोड़ा इस सबसे एंड्रॉयड फोन से अलग है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है ना। तो फिर धीरे छेड़छाड़ किए खूब तो सीख गए, है ना। तो छेड़िएगा तब ना सीखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गणित भी ना बने, अब गणित ना बने तो गणित को भी छेड़िए, कभी ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, है ना, ये फार्मूला लगाइए वो फार्मूला लगाइए, समय थोड़ा दीजिए, हो जाएगा, है ना। डंटा भी रखे हैं हम, नहीं पता है। यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन का मान कितना होगा? सुनिएगा, एन जो है ना एक प्राकृतिक संख्या है, एन जो है ना प्राकृतिक संख्या है, तो सवाल में कह रहा है रूट एन क्या होगा, रूट एन क्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, गलत बोल रहा है, हमेशा एक परिमेय संख्या गलत बोल रहा है, हमेशा अपरिमेय। देखिए डी हो जाएगा, प्राकृत संख्या एन है, एन है, एन है, तो कहता है रूट एन। तो मेरा ये कहना है कि रूट एन या तो प्राकृतिक होगा या अपरिमेय होगा। जैसे अगर कोई अंदर में 9 डाल दिया तब तो 3 निकल जाएगा बाहर बार, अगर स्क्वायर नंबर एन के जगह पे ले लेगा तब तो रूट से बाहर निकल जाएगा, प्राकृतिक बन गया। लेकिन अगर कोनो 8 ले लेगा तो 8 रूट 8 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो फिर ये आपका रूट 8 ही रह जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय, और ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब कोई जैसे रूट के अंदर में आपका ले लेगा 19 तो इतने रह जाएगा, अब कोई ले लेगा 25 तो 5 हो जाएगा। ये एन एक प्राकृत संख्या है तो एन का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। तो अगर स्क्वायर नंबर गलती से लिया गया तब तो हो जाएगा प्राकृत, लेकिन अगर स्क्वायर नंबर नहीं लिया तो फिर ये रूट रह ही जाएगा, और रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हमारे लिए कहना इन चारों में उचित ये रहेगा कि या तो एक प्राकृत होगा या एक अपरिमेय होगा। अगर एन के जगह पे स्क्वायर नंबर ले लिए तब प्राकृत, और स्क्वायर नंबर नहीं लिए तो आपका अपरिमेय। सटीक ऑप्शन ढूंढना है कि इन चारों में से सबसे सटीक कौन सा आपका होगा। कुछ कहना है बोलिएगा, पूछते नहीं है जी आप लोग, डाउट नहीं रहता है। सर क्लास में हमको बहुत बेइज्जती की है आज। अच्छा पिछला बैच में इधर जो लड़का बैठा था, बेइज्जती नहीं की है, वो आँख एकदम लाल लाल था, एकदम दोनों हुए था। मैंने बोला कि भाई क्या कर रहे थे रात भर, बोला कि सर 2 बजे रात तक पढ़ रहे थे ना। अब पढ़ रहा था, अब क्या कर रहा था भगवान जाने, है ना। रवीश कुमार सिंह, कल मुलाकात होगी आपसे उस बैच में, है ना। इसमें बेइज्जती की बात क्या है, मतलब बेइज्जती, इसको बेइज्जत कहते हैं क्या? ऐसे लोग मजा लिया थोड़ा कुछ कुछ और बोले, है ना, इसको बेइज्जती थोड़ी ना कहते हैं। आगे बढ़े,
अब झूठ बोले, जैसे एक 2 बजे तक, अगर 1 बजे वो सो जाता ना तो उसका नींद पूरा हो जाता, और 2 बजा दिया 2:30 बजा दिया होगा, और 1 से 1.5 घंटा की वजह से उसका सारा दिन खराब रहेगा, भकवायल रहेगा दिन भर एकदम, है ना, आंख उसका एकदम बंद हो जा रहा था, जबरदस्ती फाड़ रहा था हाथ से तब दिख रहे थे, है ना, तो 1-1.5 घंटे की वजह से पूरा उसका 24 दिन खराब होने वाला है ना। तो रूटीन बहुत जरूरी है, टाइम पे पढ़िए, टाइम पर खाइए, टाइम पर सोइए, है ना, ये सब ध्यान रखिए आप। एक दिन मूड बना तो 2:30 बजे तक, और एक दिन मूड बना तो 8 बजे सो गए, है ना, या फोन में बाजल है। रेगुलरिटी मेंटेन करिए तभी सही होगा आपका। सुनिएगा, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, है ना, परमेय हो नहीं सकता है, हाँ ठीक है, आप कह रहे सर सही सही बताएं, हम रील्स देख रहे थे, है ना, यहाँ बैच में बोल दिया कि हम पढ़ रहे थे। ऑनलाइन में ना, तो ऑनलाइन में सब सही लिख देता है, कुछ भी लिख देगा, ऑफलाइन में वो डंटा रखते हैं ना सामने। चलिए भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से, सी होगा। देखा जाए, ध्यान इधर, अब इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं मतलब गलत, सही नहीं मतलब गलत, ये घुमाही का ना भाषा लिखा है, सीधे लिखता है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो जल्दी विद्यार्थी कैच कर लेता, कह रहा सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत है, है ना। अब सुनिएगा भाई, गलत पकड़ना है, एकर मतलब ये है कि 4 गो में 1 गो मात्र गलत होगा और बाकी 3 सही होगा। आइए, 1 neither prime nor composite, तो ये सही है ना, ये सही, और हमको गलत वाले को पकड़ना है, आंसर नहीं, सही होते हुए भी गलत है, ये सही होते हुए भी गलत है, और देखिएगा आगे गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, है ना। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये भी सही है, लेकिन सही होते हुए गलत है ये, है ना। √2a का परिमेय संख्या, ये भी सही है लेकिन सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि हमको चुनना गलत को है, है ना, गलत को चुनना है। तो कहता है ऐसे सही 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 तो पक्का गलत यही होगा, ऐसे पढ़ लेते हैं उसको, पढ़ लेते हैं, और गलत को ही चुनना है, तो आंसर सी। सुनिएगा, पी गुना क्यू सम है, देखो पी और क्यू का मल्टीपल कितना है, सम है, सम है, तो कहता है कि पी और क्यू हमेशा सम होगा, ये गलती बोल रहा है, हमेशा नहीं कहना चाहिए, कह रहा है हमेशा समय होगा, एकदम गलत बोल रहा है, सरासर गलत बोल रहा है, हमेशा कैसे सम हो जाएगा। देखिए, हम पी को ले लिए सम और क्यू को ले लिए विषम, फिर भी देख लीजिए इसका प्रोडक्ट क्या आता है, सम ही आता है। ये कह रहा है कि पी गुना क्यू सम होगा, जबकि हमेशा पी और क्यू सम होंगे, गलत बोल रहा है। अगर हम इसमें से एक वो कोई विषम भी ले लेंगे तो अभी इसका गुणनफल समय होगा, देख लीजिए यहाँ पे सम लिए और यहाँ क्या लिए, विषम, और गुना के देखिए सम आ गया, तो सम आया कि नहीं आया, जिसमें एक हमने क्या लिया है, विषम लिया है, तो भी सम आ गया गुणनफल। आई कह रहा है कि नहीं, दोनों समय होना चाहिए, तो गलती नहीं बोल रहा है, वो भी हमेशा लगा दिया, हमेशा दोनों सम होना चाहिए, हमेशा दोनों सम होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि दूसरा कुछ होगा ही नहीं, आपका विषम होगा ही नहीं, जबकि विषम भी लेने पर संपूर्ण रहा है, मतलब ये गलत बोल रहा है। कुछ कहना है किसी को, चलिए तब आगे बढ़ेंगे, ये सब समझ गए किस आधार पे सही है, ये सब सब कराया गया, 1 जो है ना भाज ना भाज, 0 न्यूट्रल, √2 रूट वाली संख्या पर मैं कहलाती है। आइए भाई, ध्यान देंगे सब लोग, आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग सारे के सारे विद्यार्थी, चले देखिएगा, 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है, ठीक ना, 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है, सही बोल रहा है ना, 2 गो लगातार संख्या कहीं से लीजिए तो सम पक्का मिल जाएगा आपका। किसी को कहीं ना मिल रहा है तो बोलिए सर यहाँ पे ना मिल रहा है, लगातार 2 गो संख्या लेना है, और मेरा कहना है कि वो सम होगा उसमें, कौन सा नहीं आ रहा है, सबका आ रहा है, कहीं से 2 गो, 110 111 2 गो लगातार लीजिएगा तो एगो सम पक्का हो जाएगा आपका, है ना। 0 1 तो 0 सम नहीं है, 0 भी सम है, मैंने बताया था आपका,
माइनस टू भी सम है, माइनस फोर भी सम है, माइनस फाइव माइनस सिक्स भी सम आपका है, लेकिन यूज में हम लोग सबसे छोटा सम संख्या धनात्मक वाला दो करते हैं, है ना। लेकिन जीरो को पूछेगा क्या सम है कि विषम, तो आपका जवाब होगा सम। माइनस टू सम है कि विषम, तो सम आपका है। सब बता चुके हैं आपका? हाँ, देखिएगा यहाँ पर तो कहता है कि निम्न कथन पर विचार करें तो यह सही, यह सही। अब कहता है विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप में, ये भी सही है। देखो कैसे, दूसरा नंबर को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? है मतलब एक से ज्यादा के लिए और है एक के लिए, ठीक है। तो आंसर मारेंगे हम सी। थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, सुनिएगा सब लोग। सेकंड नंबर ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान देंगे। विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? 8n+1 के रूप में होता है। ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट का कहना है। क्या ये सही है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। आप ऐसा करिए, n का मान रखिए, n का मान कुछ रखिए और देखिए कि क्या ये सही में विषम का वर्ग आता है। आप 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो इसका मान 9 आ गया। देखिए 3 का स्क्वायर होता है, हैं। एन का मान आप 2 रखिए तो 8 × 2 = 16 और 1 = 17 आपका हो गया, 17 आपका हो गया। आप एन का मान 3 रखिए, ऐसे मत चेक करिए, ऐसे चेक करिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप ऐसे चेक करिए। आप विषम संख्या का वर्ग देखिए, विषम संख्या का वर्ग देखिए क्या होता है। तो वर्ग आपका क्या होता है? सबसे पहले तो 1 होता है, और फिर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मेरा कहना है कि सब इस फॉर्म में होगा। देखिए आप n का मान 0 रखिए, यहाँ पर 1 हो गया, n का मान आप रख लीजिए 1 रखिए, 9 हो गया, एन का मान आप 3 रखिए तो 8 × 3 = 24 और 1, एन का मान आप रखिए 6 रखिए तो 8 × 6 = 48 और 1, एन का मान आप रख लीजिए 10 रखिए तो 8 × 10 = 80 और 1 = 81। यानी यहाँ पे दो बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या फिर दो नंबर स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा है कि इस रूप की सभी संख्याएं विषम संख्या का पूर्ण घन होगा, ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हमेशा इस रूप में होता है। नहीं समझे? दो बातें हैं यहां पर, इस रूप की सभी संख्याएं, इस रूप की सभी संख्याएं विषम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हमेशा इस रूप में होगा। नहीं बुझाया? गौर से सुनिए, दो बातें हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि 8n+1 हमेशा विषम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब एन का मान 3 बैठे हैं तो कहाँ हुआ? 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 2 रखे थे, 8 × 2 = 16, 1 = 17 हुआ था विषम संख्या का स्क्वायर, नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि 8n+1 के रूप में जितनी संख्याएं होंगी वो विषम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, सब नहीं होगा, लेकिन जितना विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है वो सब इस रूप में होगा। इस रूप में जितनी संख्याएं होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि विषम का वर्ग हो, लेकिन विषम का वर्ग जितना भी होगा वो ये फिक्स जरूरी है, 100% जरूरी है कि इसी रूप में हो। यहाँ पे वही बोल रहा है कि विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, एकदम सही बोल रहा है। आप विषम संख्या का कोई भी वर्ग देख लीजिए, इस रूप में है कि नहीं है, लेकिन इस रूप की जितनी संख्याएं कोई कह दे कि विषम का स्क्वायर है तो नहीं होगा आपका। आप दो बैठा के देखिए कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। क्या विषम का वर्ग है? नहीं है। नहीं बुझाया? तो विषम संख्या का वर्ग जो भी होंगे वो इस रूप में होंगे 100%, लेकिन इस रूप की सभी संख्याएं विषम संख्या का वर्ग हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो दो नंबर भी सही, एक नंबर भी सही, आंसर मारेंगे सी में। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, बोलिए भाई। हैं? एक विषम संख्या कैसे है? विषम संख्या का परिभाषा क्या जानते हैं? तो एक क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, उससे क्या दिक्कत है? तो वही तो शेषफल है। जैसे आप हमको बताइए, 9 9 2 से भाग पड़ता है,
तो शेषफल कितना बचा? एक बचा। तो एक जब शेषफल आप तीन बार में भाग लेंगे, दो तीये छः, शेषफल कितना बचा? तीन। अभी हम शेषफल तीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो से बड़ा है। फिर भाग लगाइए, दो से भाग लगाइए एक बार में, शेषफल कितना? एक। मतलब यही शेषफल हो जाएगा, क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे ये छोटा हो गया, शेषफल बच गया क्योंकि इससे ये छोटा हो गया आपका, इससे ये छोटा हो गया। जब तक ऊपर में बड़ा रहेगा तब तक भाग पड़ते रहेगा, और जब इससे छोटा हो जाएगा समझो वही शेषफल है। और आपको मैं बता दूं कि दो से यदि कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा? जीरो। अगर कोई कोई भी चीज, कोई भी संख्या किससे कटता है तो शेषफल कितना बचता है? जीरो बचता है। अब अगर शेषफल कुछ कट रहा है मतलब दो से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर एक में दो से भाग दे रहे हैं तब भागे नहीं लग रहा है, भागे नहीं लग रहा है, शेषफल कितना बच रहा है? एक बच रहा है आपका। जीरो कैसे? एक ना, शेषफल एक बच रहा है। तो शेषफल जब जीरो बचता तब कहते कि दो से पूरा पूरा कट रहा है। शेषफल जीरो नहीं बच रहा है तो समझेंगे क्या? एक बच रहा है तो आपका दो से नहीं कट रहा है, मतलब विषम है। या फिर कह सकते हैं दो से जीरो बार में भाग लगाएं, दो से जीरो बार में भाग लगाएं। देखो दो से भाग दिए एक में, तो जीरो बार में भाग लगाएं तो कितना हो गया? जीरो, और शेषफल कितना? एक। बताइए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। LHS बराबर HS प्रूफ हो गया आपका। हाँ, बढ़े आगे। सबसे छोटा विषम संख्या एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कहना है और किसी को? नहीं बोलिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल, आंसर बोलिए जी। 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर परिणाम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए जी, इसको हल करने पर, तो पहले हल कर लेंगे, आप बताइए ये फॉर्मूला है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। आता है सबको? जिनको नहीं आता है आज के बाद याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बोलिए, ए प्लस बी, एक बार 119 और 111 जुटेगा, तो 119 प्लस 111 और एक बार 119 में से 111 घटेगा। बोलो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना? 230 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 8, तो 0 8 ये 24 की 4 और 8 2 16 और 2 18, 1840 आ गया। इसको हल करने पर रिजल्ट मिला 1840। अब चारों ऑप्शन को देखिए और उसके लिए क्या सटीक आंसर हो सकता है। कहता है कि अपरिमेय, तो गलती ना है, वर्ग किसी का स्क्वायर होता है क्या 1840? नहीं होता है। स्क्वायर जानते हैं 50 तक आप सभी को याद करना है, आज करिए, 10 दिन बाद कीजिए, 1 महीना बाद कीजिए, करना पड़ेगा, ठीक ना? हर कॉम्पिटेटिव विद्यार्थी को ये चीजें याद रखना है। वर्ग संख्या आपका है ना, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब कहता है खाली एक और खुदे से कटे, लेकिन ये देख रहे हैं दो से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भाज्य कहलाएगा आपका, भाज्य कहलाएगा। तो इसको हल करके पहले परिणाम प्राप्त कर लिए और देख लिए क्या हो सकता है। कुछ कहना है किसी को? नो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। पहली पांच पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, सुनिएगा, सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी बताइए पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, नहीं, होल नंबर कहाँ शुरू होता है? जीरो से। तो 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, शुरू से 5 गो पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4, 4 तक जाएगा, 5 गो पूर गया कि नहीं पूर गया? गिन लीजिए 1 2 3 4 5, और 0 से जो टकराएगा सब 0 बन जाएगा, 0 से जो टकराएगा सब 0 बन जाएगा, है ना? 0 से अगर कभी भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो ऑलवेज रिजल्ट 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18 नंबर सवाल, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, दो तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा और दोनों को रीड करना और आपको सही कथन चुनना है कि दोनों में सही कौन है। आप आ जाओ,
पहला स्टेटमेंट पे आप आ जाओ। कहता है प्रत्येक आभाज संख्या विषम होती है, गलत बोल रहा है। अरे बताइए, दो आभाज होता है कि नहीं होता है? ये क्या है, ये दो सम है। आयकर कहना है कि सब का सब विषम होता है, तो गलती ना बोल रहा है वो। आपको मैं बता दूं कि अभाज्य में बोले तो प्राइम में दो एक ऐसा प्राइम है जो कि इवेन होता है, और ये पहला स्टेटमेंट का कहना है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या जितना अभाज्य संख्या सब का सब विषम होता है, ये बोल रहा है। गलत बोल रहा है ना, गलत काट देंगे हम लोग, गलत बोल रहा है। सुनिए, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या, ये भी गलत बोल रहा है। कैसे गलत बोल रहा है? कह रहे कोनो दुगो अभाज्य संख्या को गुणा करेंगे तो विषम आएगा। कैसे आएगा? देखिए गलत काट दिए, दो ले लीजिए अब बाकी कुछ ले लीजिए। हाँ, 2 गुना 11 आप ही की बात, फिर भी देखिए सम आ गया। क्या आ गया? ये सम आ गया। देखिए विषम भी आएगा, अगर 2 के अलावे ले लेंगे तो विषम भी आएगा, लेकिन कह रहा है कि हमेशा बीस में होगा, तो गलती ना बोल रहा है। आपको सारा देखना है। कह रहा किन्हीं भी, क्या बोल दिया, हमेशा का सेंस हो गया। कह रहा किन्हीं भी कोई भी दो आभास संख्या, अगर ऐसे बोलता ना कि 2 को छोड़ के, अगर बोलता 2 के छोड़ के किन्हीं भी दो आभास संख्या गुणनफल विषम होता तो फिर सही हो जाता पूरा, क्योंकि 2 जैसे ही लेंगे और 2 किसी भी संख्या से गुणा होगा उसको क्या बना देगा, सम बना देगा आपका। कुछ कहना है किसी को? समझ में आ रहा ना सभी को? हाँ, जो पढ़ाए हैं उसको भी याद रखना, उसमें भी काफी सारी चीजें मैंने बताया, लगभग 18-20 के आसपास में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आ जाओ पहला नंबर पे, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय होती है, और प्रत्येक प्रमेय पूर्णांक होती है। कौन सा होगा जी? सी नंबर होगा। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय होता है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखो इसमें इधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है, ठीक है? ऐसा कभी भी जब रहे ना तो पकड़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, उस तरफ वाला संख्या है ना। आप इसके बारे में प्राकृत लिखा हुआ, प्राकृत के बारे में पता है, जो एक से है ना, एक से, हाँ एक से शुरू होता है। अब कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, क्या सही है? नहीं है? नहीं। कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, तो उधर जो है ना, उधर जो है वो देखना है कि ये वाली संख्या ये होगा कि नहीं होगा। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये गलत है आपका, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से, और कहाँ से? 0 से आपका, तो ये गलत है आपका, ये गलत है। मतलब गलत इसलिए है क्योंकि पूरे प्राकृत में ये पूर्ण नहीं जाएगा, 0 इसमें नहीं होगा आपका। आप बताइए प्रमेय संख्या जो है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या होगा, सही है ना? ये सही है, क्योंकि जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, चाहे माइनस में हो प्लस में हो 0 हो, सब का सब प्रमेय होगा आपका। आपको -3 क्या है? पूर्णांक है, और वो एक प्रमेय भी है। 0 क्या है? एक पूर्णांक भी है, उदासीन पूर्णांक, और वो एक प्रमेय भी आपका है। 5 क्या है? पूर्णांक है, और वो क्या है? प्रमेय भी है। प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय होती है, सही है ये। फिर देखिए इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा है तो गलत हो जाएगा आपका ये। अरे जब प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय हो जाएगा तो प्रत्येक प्रमेय भी पूर्णांक हो जाएगा। प्रमेय संख्या जानते हैं 3/7 भी होता है, तो क्या 3/7 पूर्णांक होता है? एक चीज जानिए, एक तरफ से सही है तो दूसरा तरफ सही कैसे हो जाएगा? ये भी सोच आप लगा सकते हैं। नहीं समझे आप, सुनिए ऐसी, दाहिने साइड वाला जो भी रहेगा उसमें देखना है कि ई सर्टिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। अब बताइए इसमें क्या ई आ जाएगा? 0 0 इसमें रहता है, कहाँ इसमें आ रहा है? गलत हो जाएगा आपका। इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक होती है, नीचे वाला, तो
तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस का फोर, माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो, प्लस का वन, प्लस का टू। तो क्या इसमें ये भिन्न आएगा? परिमेय भिन्न में भी होता है, थ्री बाई फोर पी बाई क्यू के रूप में, ये इसमें आएगा नहीं आएगा तो ये भी गलती है। लेकिन जितना परिमेय संख्या उस सब में पूर्णांक आ जाएगा, इसलिए आपका ये सही है और बाकी तो गलत है। आंसर हमारा कौन सा, डी हो जाएगा। कुछ कहना है कहीं पर? दो नंबर समझ गए सही है, तो तीनों का उल्टा है। वो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है, अगर वो सही है तो फिर प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होता है, गलत है। कैसे छाटे सुनिएगा, पूर्णांक होता है ये सब माइनस में प्लस में जीरो, अब परिमेय का मतलब ये भी होता है, तो क्या ये उसके श्रेणी में आ रहा है? क्या हम पूर्णांक को ही कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। थ्री बाई वन नहीं ना देखना है हमको, सब ना देखना है। परिमेय थ्री बाई सेवन भी तो होता है, हैं? परिमेय जो है वो थ्री बाई सेवन भी तो होता है, तो सब ना देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका अभी अभी जो ऊपर अभी आपकी है, ऊपर अभी आपकी है, ये विषम वाला कहाँ गया, अभाज वाला। अब किन्हीं भी दो अभाज संयोग पर विषम होता है, मैंने दो लिया तो आप कहिएगा कि तीन भी तो होता है, तीन गुना पाँच पंद्रह, ये तो विषम हो जाएगा। पाँच गुना सात भी तो आपका पैंतीस, विषम हो जाएगा आपका। तो सब न लेना है, सब देखना है। हमने दो देखा तो दो पर आपका सम मिल गया, इसलिए कट गया था आपका। आप कहेंगे कि दो के अलावा ये सब लीजिए, तो इस सब पर तो विषम मिल ही रहा है। सवाल करें किन्हीं भी दो आभास संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या हो सकता है, तो किन्हीं भी मतलब सब पर चेक करना है। अगर सब पर विषम आएगा तब मारेंगे, और एक ऊपर अगर सम आ रहा है तो फिर गलती काट देंगे। वही हाल आपका यहाँ भी है। आप तीन बटा एक ले रहे हैं, तीन बटा एक केवल प्राकृत होता है, प्रमेय होता है, तीन बटा सात भी तो होता है, पांच बटा नौ भी तो होता है, सब ना लेके चलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, टाइम भी होने होने को है ना। बताइए यहाँ पर ये सवाल क्या कहता है जी, पी और क्यू का मसा एक है, पी और क्यू का मसा कितना है? दो गो संख्या का मसा एक है, पता है किसका होता है? विषम का नहीं होगा, सम का नहीं होगा, भाज का नहीं होगा, अभाज का होगा। आप कोई भी दो गो अभाज ले लीजिए कहीं से, देखिएगा उसका एस सी एफ वन आएगा, कटेगा तो दोनों सिर्फ एक से, अदरवाइज किसी से नहीं। क्या कोई भी दो गो अभाज लीजिए, अभाज संख्या लीजिए, तीन पाँच ले लीजिए, देखिए मसा एक आपका है। आप सात और तेरह ले लीजिए, ग्यारह ही ले लीजिए, साते ग्यारह लीजिए, उससे क्या दिक्कत है? आप कोई भी सम अगर दो भी ले लेते हैं, दो और तेईस ले लेते हैं, देखिए इसका भी मसा एक, इसका भी मसा एक, मसा एक, मसा एक, सब एक से ना कट रहा है। विषम संख्या का मसा एक कैसे हो जाएगा आप बताओ? तीन और नौ का मसा कितना होगा? एक कैसे होगा? तीन ना, तीन से नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। तो विषम संख्या का मसा एक ही होता है, गलत बोलना है ना, तीन भी हो सकता है। विषम संख्या कोनो पाँच और पंद्रह ले लेगा तो एकर मसा भी पाँच हो जाएगा। तो बात हमेशा का है कि पी और क्यू का मसा अगर एक है तो संख्याएं क्या होनी चाहिए हमेशा, तो अभाज पर आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? अच्छा, ई वाला एक ही शुभ शुभ होता है, इसको हम लोग कर लेंगे, है ना। सुनिएगा, P और Q का LCM PQ है तो PQ क्या होनी चाहिए? देखिए LCM क्या है, इसका गुणनफल है, तो पता है P और Q क्या होना चाहिए? अभाज। देखिए अभाज संख्या तीन ले लिए और पांच ले लिए, कोई पूछेगा इसका लसा बताओ कितना होगा, तो तीन गुना पांच होगा गुणनफल। अभाज संख्या ही है जिसका SCF वन होता है, और LCM जो होता है ना उसका प्रोडक्ट होता है। देखिए प्रोडक्ट हुआ, कहता है कि P और Q का LCM P गुना Q है, उसका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट LCM किसका होता है? अभाज का होता है। अभाज का होता है 11 और 13 का, कोनो कहेगा LCM तो कोई उपाय ना है, 11 गुना 13 करना पड़ेगा आपको। नहीं, कोई भी दूठ अभाज संख्या लीजिए, तीन और सात ले लीजिए, इसका लसा कितना होगा? तो तीन गुना साते होगा आपका, कोई दूसरा उपाय ना है, समझे। आभाज संख्या का एलसीएम लिखना हो तो सीधे गुणा कर देंगे, एससीएफ कितना? एक। याद करते जाना है कि आभाज संख्या का एलसीएम गुणनफल, गुणा करना पड़ेगा, देखो पी क्यू और एससीएफ हमेशा वन होता है।
एचसीएफ हमेशा वन किसका होता है? अभाज्य का, और एलसीएम गुणनफल किसका होता है? अभाज्य का ही आपका होता है। तो बाकी 21 तक रखेंगे और बाकी कल 22 से आगे आप कुछ सवाल देंगे। परफेक्ट नंबर बना